हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप कैसे हो और आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है? दोस्तों हमने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में आपको बुलिश मारुति चार्ट पैटर्न बनाया बताया था और ये मार्केट में दिखता कहाँ पर है और किस प्रकार कार्य करता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे हैमर चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और हैमर के अलावा और भी चार्ट पैटर्न हैं जिन्हें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो चार्ट पर कैसे दिखते हैं और मार्केट में किस प्रकार कार्य करते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मार्केट में हैमर चार्ट पैटर्न दिखता कैसा है? दोस्तों सबसे पहली बात तो हैमर इस प्रकार दिखता है। ये हैमर होता है, ये दोस्तों ये हैमर होता है। अब दोस्तों हम इसे पहचाने कैसे, ये हैमर चार्ट पैटर्न है या कोई और सा? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको हथौड़े की इस प्रकार दिखता है, जिस प्रकार हथौड़ा होता है उस प्रकार आपको दिखता है, इसीलिए इसे हैमर बोलते हैं। दोस्तों दूसरी बात, आपने ये वाली शैडो देखी है, इसकी शैडो ये क्या होती है? इस शैडो के दोगुनी आपको ये वाली शैडो दिखती है, ये वाली दोगुनी शैडो ये आपको ये वाली दिखती है, इससे भी हम पहचान सकते हैं ये हैमर पैटर्न है। अब ये दोस्तों बनता कहाँ पर है और किस प्रकार कार्य करता है? तो दोस्तों ये आपने देखा हो मार्केट में होते हैं, तो सपोर्ट होता है और दूसरा होता है रेजिस्टेंस। आपने ज़्यादातर देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्केट में देखो। तो दोस्तों देखो R1, ये है R2। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है और यहाँ पर बनता हैमर चार्ट पैटर्न, इसे हम बोलते हैं हैमर। दोस्तों ये हैमर बनता है और हैमर बनने के बाद मार्केट क्या होती है? हैमर बनने के बाद मार्केट होती है बुलिश। यहाँ से मार्केट बुलिश होती है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। अब दोस्तों हम इसे ढूंढते कहाँ पर है? हमें इसे सदैव सपोर्ट पर ही ढूंढना है, सपोर्ट पर। दोस्तों हम इसे सपोर्ट पर ही ढूंढेंगे, अगर हम इसे रेजिस्टेंस पर ढूंढेंगे तो ये हमारा इतना कार्य नहीं करता। कार्य तो करता है परंतु मार्केट बुलिश नहीं होती। अगर आप ये सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस पर ढूंढेंगे, अगर मान लीजिए सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस पर हैमर चार्ट पैटर्न बना, बनता तो नहीं है पर बनता है पर बहुत कम बनता है, अगर रेजिस्टेंस पर बना तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। हमें इसमें कलर नहीं देखना, रेड बनना है या ग्रीन, हमें बस ये देखना है सपोर्ट पर हैमर बनना चाहिए, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाएगी। तो दोस्तों आपने आप देखा होगा, अब आपको यहाँ पर देखी से यहाँ पर मार्केट, आपने यहाँ पर देखा यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से यहाँ पर हैमर बनाइए और यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आ रही थी और यहाँ से क्या हुआ अपर साइड में चली गई। यहाँ पर हैमर बनाइए, ये हैमर बना यहाँ पर और यहाँ से मार्केट अप साइड में चली गई, यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ आई और हैमर चार्ट पैटर्न बन गया।